على رسوله النبي الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقد أبدى لكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. گزشتہ درس میں جمعہ کے بعد اور جمعہ کی نماز اور اس کے بعد کے نوافل اور پہلے نوافل کا ذکر تھا. آج کی درسی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ابو داؤد شریف سے روایت عید کے بارے میں ہے. کوئی قوم بھی دنیا میں جو آباد ہے یہ طریقہ ہے ہر قوم کا کہ کچھ خاص جشن تہوار خوشی کے دن قومیں مناتی ہیں. اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھے کھانے پکاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسانوں کا کوئی طبقہ اور کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جس کے ہاں کوئی جشن یا تہوار نہ ہو. اسلام میں بھی ایسے دو دن رکھے گئے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ. مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور ان دونوں تہواروں کا سلسلہ بھی اسی وقت سے شروع ہوا. عید الفطر جو ہے وہ رمضان کے ختم پر منائی جاتی ہے. رمضان المبارک اسلامی سال کا نواں مہینہ ہے. سارے مہینوں میں سردار مہینہ ہے رمضان، قرآن کی نسبت کے ساتھ کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور اس پورے مہینے میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے، اور اس کی راتوں کو اللہ کے نبی نے امت کو ایک مستقل نماز با جماعت عطا فرمائی جسے تراوی کہتے ہیں. الغرض یہ پورا مہینہ خواہشات کی قربانی اور مجاہدے کا اور ہر طرح کی عبادات کا کثرت کا مہینہ قرار دیا گیا. اس مہینے کے خاتمے پر جو دن آئے ایمانی اور روحانی برکتوں کے لحاظ سے وہی سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس کو خوشی کا اظہار کے لیے اس دن کو منایا جائے. چنانچہ اسی دن کو عید الفطر کہا گیا، اور اسی طرح اسلامی سال کے 12ویں مہینے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ایک تہوار منایا جاتا ہے جس کا نام ہے عید الاضحیٰ، قربانی والی عید. یہ ایک تاریخی دن ہے جس میں امت مسلمہ کے مورث اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا حکم پا کر اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے اللہ کے سامنے پیش کر دیا تھا.
और उनके गले में छुरी चला दी। अल्लाह ने उनको बचाकर जन्नत से दुम्बा भेजकर कुर्बानी करवा दी। इस्माइल की कुर्बानी कबूल भी कर ली और उन्हें बचा भी दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस कुर्बानी के पेश करने पर रब्बुल आलमीन ने जो उनके सर पर अजमत का ताज रखा उसको कुरान ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। अल्लाह ने इंसानियत की इमामत का ताज उनके सर पर रखा। तो बहरहाल ये वाकया याद करने के काबिल था। तो इसी ज़िलहिज्जा के 10 तारीख के दिन ये दूसरी ईद का दिन मुकर्रर किया गया ईदुल अज़हा का, क्योंकि जिस वादी में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये वाकया पेश आया पूरे आलम इस्लाम का हज का सालाना इज्तिमा और मनासिक हज कुर्बानी वगैरह उसी वादी में आज किए जाते हैं। बहरहाल इन दोनों यकम शव्वाल और 10 ज़िलहिज्जा यानी नामा महीना मुकम्मल होने के बाद 10वें महीने की पहली तारीख ईदुल फितर मनाई जाती है और 12वें महीने की 10 तारीख को ईदुल अज़हा मनाई जाती है। ये दो खुशी के दिन इस्लाम ने उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाए। तो हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अनु रवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमाकर जब मदीना तय्यबा तशरीफ लाए तो आले मदीना जिनका काफी तादाद पहले से ही मुसलमान हो चुकी थी दो त्यौहार मनाया करते थे, खेल तमाशे किया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा ये दो दिन जो तुम मनाते हो इनकी हैसियत क्या है, इनकी हकीकत क्या है, यानी तुम्हारे इन त्यौहारों की असलियत और तारीख क्या है। उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जाहिलियत में यानी इस्लाम से पहले ये त्यौहार इसी तरह मनाते थे, बस वही रवाज अब तक भी चला रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन दो त्यौहारों के बदले में इनसे बेहतर दो दिन तुम्हारे लिए मुकर्रर फरमा दिए हैं, अब वही तुम्हारे कौमी और मजहबी त्यौहार हैं यौमुल ईद यौमुल अज़हा की और ईद यौमुल फितर की। यानी यौमुल फितर को रमजान के एंड पर ईद मनाना और यौमुल अज़हा यानी कुर्बानी की ईद मनाना, ये दो खुशी के दिन अल्लाह ने तुम्हारे उन जहलियत के दो दिनों के बदले में तुम्हें अदा कर दिए। देखिए रमजान में 3 अशरे होते हैं और 3 अशरों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरी अशरे को बड़ी अजमत अता फरमाई है। और मजे की बात यह है कि जो 12वां महीना है उसका पहला अशरा बहुत अफजल है। कुरान ने उसका जिक्र किया है वल फज्र वल लयालिन अश्र, ये उसी अशरे का जिक्र है 12वें महीने के पहले अशरे का। और उसकी जो रातें हैं वो उसकी एक एक रात शबे कद्र से कम नहीं है, शबे कद्र के बराबर रातें हैं। अल्लाह ने उस अशरे को भी कमाल अजमतों से नवाजा है। तो बहरहाल काश के अगर मुसलमान अपने इन त्यौहारों को सही तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और तालीम के मुताबिक मनाएं और इस्लाम की रूह और उसके पैगाम को समझने समझाने के लिए सिर्फ ये दो त्यौहार ही काफी हो सकते हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह रवायत है, इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदुल फितर और ईदुल अज़हा के दिन
ईदगाह तशरीफ ले जाते, सबसे पहले आप नमाज पढ़ाते थे, नमाज से फारिग होकर लोगों की तरफ रुख करके खुतबे के लिए खड़े होते थे, लोग बदस्तूर सफों में बैठे रहते थे, फिर आप उनको खुतबा बाज़ो नसीहत फरमाते, अहकाम देते थे, और अगर आपका इरादा कोई लश्कर दस्ता तैयार करके किसी तरफ रवाना करने का होता था तो आप ईदेन की नमाज और खुतबे के बाद इसको भी रवाना फरमाते थे, या किसी खास चीज के बारे में आपको कोई हुक्म देना होता था तो इसी मौके पर आप वो हुक्म भी देते थे। फिर इन सारे मुहिम्मात से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह से वापस तशरीफ लाते थे। यानी अल्लाह के रसूल की ये आदत मुबारक थी कि ईदेन की नमाज आप मदीना तैयबा से बाहर एक मैदान में पढ़ते थे। आज तो मदीना तैयबा से बाहर मैदान नहीं, सारी आबादी हो गई है, ये बिल्कुल हजार गज छोड़ के हजार कदम भी नहीं है। अगर आप मदीना तैयबा की मस्जिद नबवी की उस बाउंड्री से बाहर निकलें, मेहराब की तरफ न जाएं बल्कि उसके कोने में जाएं, तो बिल्कुल खजूर मार्केट की तरफ जब आप दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो आपके सीधे हाथ पर एक मस्जिद है, छोटे छोटे गुंबदों मीनारों वाली, उसे कहते हैं मस्जिद गमामा। ये वो मस्जिद उस जमाने में यहाँ मैदान होता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज भी यहाँ पढ़ते थे, ईद की नमाजें भी यहाँ पढ़ते थे, और बारिश मांगने की नमाज इस्तिस्का भी यहाँ पढ़ते थे। तो ये मैदान इसके लिए काम आता था, इसको इस्तेमाल करते थे। तो वो फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ ले जाते थे और वहाँ जाकर ईद की नमाज पढ़ाते थे। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह से वापस तशरीफ लाते जबकि ये सारे काम मुकम्मल कर लेते, तो ईदेन की नमाज तो नमाज है लेकिन उसके लिए आजान और इकामत नहीं है, ना आजान है ना इकामत। हजरत सुमरा बिन हजरत जाबिर बिन सुमरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत मुस्लिम शरीफ में इरशाद फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह के साथ ईदेन की नमाज एक दफा नहीं बल्कि बहुत दफा पढ़ी है, हमेशा बगैर आजान और बगैर इकामत के अल्लाह के रसूल ये नमाज पढ़ाते थे, इसमें ना आजान होती थी ना इकामत होती थी। इसी तरह हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी जो है रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी रिवायत नसाई शरीफ में कहते हैं कि मैं ईद के दिन रसूलुल्लाह के साथ ईदगाह हाजिर हुआ, आपने खुतबा से पहले नमाज पढ़ी बगैर अजान और बगैर इकामत के, फिर जब आप नमाज पढ़ चुके तो हजरत बिलाल पर सहारा लगाकर आप खुतबे के लिए खड़े हुए, पहले अल्लाह की हमद व सना की, लोगों को नसीहत फरमाई, अल्लाह की फरमानबरदारी की, उनको तरगीब दी, फिर आप औरतों के मजमे में तशरीफ ले गए, बिलाल आपके साथ ही थे, वहां पहुंचकर आपने उनको अल्लाह से डरने और तकवा की तालीम दी और तकवे वाली जिंदगी गुजारने के लिए फरमाया, उनको नसीहतें फरमाई। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी की इस हदीस में ईद के खुतबे पर मर्दों को खिताब फरमाने के बाद औरतों को मुस्तकिल खिताब किया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चल गया था कि मेरी नसीहतें मर्दों ने सुनी है, औरतों तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंची, तो हुजूर फिर औरतों के लिए मुस्तकिल चले गए वहां जाकर उनको खिताब करने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक में ईदेन की नमाजें ख्वातीन शामिल होती थी और उनके लिए ये आपका हुक्म था, लेकिन ज़माना माबाद में जब मुस्लिम मुआशरे में गंद आ गया, फसाद आ गया, तो जिस तरह उम्मत के फुकहा और उलमा ने जुमा और पंजगाना नमाजों के लिए ख्वातीन का मस्जिद में आना मुनासिब नहीं समझा, इसी तरह नमाज ईद के लिए उनका ईदगाह जाना भी मुनासिब नहीं समझा। बहरहाल ईदेन की नमाज से पहले
और बाद में कोई नफली नमाज नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह रवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर के दिन दो रकत नमाज पढ़ाई, उससे पहले या बाद आपने कोई नफली नमाज नहीं पढ़ी। ईदेन की नमाज का वक्त क्या होना चाहिए? यजीद बिन खुमैर रहबी ताबी हैं, रवायत करते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्लाह इब्ने बुस्र रजी अल्लाह तआला अन्हु ईद उल फितर या ईद उल अज़हा के दिन नमाज ईद पढ़ने के लिए लोगों के साथ ईदगाह तशरीफ लाए। इमाम के आने में देर हो गई तो आपने इमाम की इस ताखीर को मुनकर फरमाया, उसकी मजम्मत की, फरमाया इस वक्त तो हम रसूलुल्लाह के साथ नमाज पढ़कर फारिग हो जाया करते थे और ये नवाफिल का वक्त था। रावी कहते हैं नवाफिल से मुराद गालिबन चाश्त का वक्त हो चुका था, अभी तक इमाम नहीं आए थे, तो उनको गुस्सा आ गया अल्लाह के रसूल के सहाबी को। उन्होंने कहा कि ये क्या किया आपने, हमें तो रसूलुल्लाह जल्दी ईद पढ़ाया करते थे। लेकिन दोनों ईदों में फर्क होता था, रमजान की ईद अल्लाह के रसूल उससे डबल टाइम के बाद पढ़ाते थे और कुर्बानी की ईद उससे सिंगल टाइम पहले पढ़ा देते थे। मसलन दो नेजा सूरज आने पर अगर अल्लाह के रसूल ने रमजान की ईद पढ़ाई है तो एक नेजा सूरज आने पर अल्लाह के रसूल ईद उल अज़हा पढ़ाते थे, क्योंकि लोगों ने कुर्बानियां करनी होती थी, इसलिए उसका बहुत ज्यादा एहतमाम फरमाते थे। हजरत जुंदब रजी अल्लाह तआला सहाबी रसूल हैं, वो फरमाते हैं ईद उल फित्र की नमाज हम लोग ऐसे वक्त पढ़ते थे कि आफ्ताब बकदर दो नेजे के बुलंद होता था और ईद उल अज़हा ऐसे वक्त पढ़ते थे कि आफ्ताब बकदर एक नेजे के बुलंद होता था। हजरत अबी उमैर इब्ने अनस, हजरत अनस के साहबजादे हैं अबू उमैर से रवायत है कि वो अपने मुतअद्दद चचों से नकल करते हैं, उनके चचा जिनसे नकल करते हैं सारे साहबी रसूलुल्लाह के असहाब में से थे। एक दफा एक काफला कहीं बाहर से रसूलुल्लाह के पास आया और उन्होंने शहादत दी कि कल रास्ते में हमने चांद देखा है, तो रसूलुल्लाह ने लोगों को हुक्म दिया कि रोजा खोल दो। वो काफिला जोर के वक्त पहुंचा और उसने कहा या रसूलुल्लाह मदीने में लोगों ने रोजा रखा हुआ है, हमने तो रात को रास्ते में चांद देखा था, हमारा तो आज रोजा नहीं है। हुजूर ने फरमाया ऐलान कर दो कि सारे रोजा तोड़ दें, इनकी शहादत मेरे यहां कबूल है, रोजा तोड़ दो, ईद की नमाज का वक्त नहीं है, ईद हम कल पढ़ें, ईद पढ़ने के लिए कल सुबह। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कहते हैं कि वो अपने चचाओं सहाबा से दखल करते हैं हजरत अनस के बेटे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा तोड़वा दिया और ईद की नमाज पढ़ने के लिए दूसरे दिन आने के लिए इरशाद फरमाया। हजरत उबैदुल्लाह इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने उतबा बिन मसूद ताबी से रवायत करते हैं कि हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू वाकिद लेसी से पूछा, मुस्लिम की रवायत, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र की नमाज में कौन कौन सी सूरतें पढ़ते थे। उन्होंने फरमाया सूरह काफ और कुरान मजीद, इक़्तरबतिस सा। इसी तरह नौमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु की मुस्लिम शरीफ में रवायत, वो फरमाते हैं कि ईदेन और जुमा की नमाज में अल्लाह के रसूल सब्बिहिस्म रब्बिकल आला और हल अता का हदीसुल गाशिया पढ़ते थे, और इत्तेफाक से अगर जुमा ईद के दिन जुमा हो तो हुजूर जुमे में यही दो सूरतें पढ़ते थे, ईद में भी यही दो सूरतें पढ़ते थे। बारिश हो जाए तो फिर मैदान में कैसे नमाज पढ़ते थे? तो सहाबी कहते हैं हजरत अबू हुरैरा की रवायत अबू दाऊद शरीफ और इब्ने माजा शरीफ में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो रवायत करते हैं कि एक दफा ईद के दिन बारिश हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ईद की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ाई, इसलिए कि मैदान में पढ़ने की गुंजाइश नहीं थी। जिस तरह आजकल
मस्जिद नबवी से निकल के कौन सा इतना बड़ा मैदान होगा कि जहां मस्जिद नबवी वाले ईद पढ़े, या काबतुल्ला से निकल के मस्जिद हराम से इतना बड़ा मैदान कहां से लाएंगे मक्के में कि वहां जाकर ईद पढ़ेंगे। इसलिए वहीं पढ़ी जाती है, मजबूरी है। तो ईद के दिन खाना किस वक्त खाना चाहिए? हजरत बुरैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत तिर्मिज़ी में, इब्ने माजा शरीफ में, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप ईद उल फित्र की नमाज के लिए कुछ खा कर तशरीफ ले जाते थे, ईद उल अजहा के दिन नमाज पढ़ने तक कुछ नहीं खाते थे। सही बुखारी में हजरत अनस की रवायत मौजूद है, ईद उल फित्र के दिन नमाज को तशरीफ ले जाने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद ताक खजूरें खाते थे। इसलिए कि अल्लाह का शुक्र है जिस अल्लाह ने हमें पूरा रमजान न खाने का हुक्म दिया था, आज उसने खाने का हुक्म दिया है तो खाकर हम उसका हुक्म अदा कर लें। और ईद उल अजहा कुर्बानी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के लिए तशरीफ ले जाते और आकर अपनी कुर्बानी करते और उसकी कलेजी को गरम करके थोड़ा सा हल्का आधा कच्चा आधा पक्का करके उससे आप स्टार्ट करते थे दिन का खाना। इसको लोग कहते हैं जी कि ईद की नमाज का रोजा है, रोजा वोजा नहीं होता, कभी रोजा भी हुआ है घंटे दो घंटे का, उल्टे नाम रखे वो अपने पास से कि ईद के दिन रोजा होता है। इन्ना लिल्लाह, रोजा नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के गोश्त के साथ इस दिन के खाने की इब्तिदा करते थे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। और अल्लाह के रसूल की तो आदत शरीफ ये थी कि ईदगाह को आते हुए अलग रास्ता इस्तेमाल करते थे, जाते हुए अलग रास्ता इस्तेमाल करते थे। हजरत जाबिर की रवायत बुखारी के अंदर मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन रास्ता बदल देते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह रवायत, आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह ने मुसलमानों में से हर गुलाम, हर आजाद, हर मर्द, हर औरत, हर छोटे हर बड़े पर सदका फितर लाजिम किया है, एक सा खजूर या एक सा जो। हुक्म दिया कि यह सदका फितर नमाज ईद के लिए जाने से पहले अदा कर दिया जाए। मदीना तय्यबा में ये दो चीजें आम होती थी, खजूर और जो, इसलिए दोनों का जिक्र कर दिया उन्होंने, वगरना किशमिश भी है और गंदम के दाने भी हैं। उस जमाने में सबसे मुश्किल और सबसे महंगे गंदम के दाने होते थे, जिस तरह आजकल सबसे महंगा किशमिश है, उस जमाने में सबसे महंगी गंदम होती थी। तो वो तो मिलती ही नहीं थी। वो सहाबा जो थोड़े से मालदार भी होते थे वो भी थोड़ा सा आटा खरीद लेते थे, मेहमान आएगा तो गंदम पकाएंगे तो खुद भी खा लेंगे, वरना जौ पे गुजारा करते थे। तो ईद उल अजहा, ईद उल फित्र के दिन फितराना, और फितराने में हिकमतें क्या है? फितराने में दो हिकमतें हैं। ये सा जो कहते हैं ना, हिंदुस्तान के उलमा ने इसका अंदाजा लगाया कि एक सा साढ़े तीन किलो, साढ़े तीन शेर उस जमाने के, अब किलो कह दो उसको, एक ही टांग का फर्क है, तो साढ़े तीन शेर का एक सा होता है, निसफ सा होता है पौने दो शेर का। तो खजूर का एक सा और जो का भी एक सा, तो इसका माना यह कि साढ़े तीन किलो खजूर या साढ़े तीन किलो जो एक आदमी का, बड़ा हो छोटा हो, औरत हो मर्द हो, आजाद हो गुलाम हो, रोजे रखता हो न रखता हो, रख सकता हो न रख सकता हो, सबके लिए सदका फितर है। और इसमें दो हिकमतें हैं कि मोहल्ले में जो इतने गरीब लोग हैं आबादी में, ताकि उनके घर का साढ़े तीन किलो अगर एक चीज दे दें तो एक दिन का खर्चा तो चल जाए, ईद के दिन तो वो खाने पीने में आपके बराबर हो जाएंगे, आपके साथ खुशी में शरीक हो जाएंगे। और दूसरा इसमें हिकमत ये है कि रमजान के महीने में तुमने जुबान के साथ जो जो गुफ्तगू की है वो रमजान के खिलाफ थी, उससे जो तुम्हारे रोजों पर जंग लग गया, इस सदका फितर से अल्लाह उन तमाम गुनाहों को माफ कर देते हैं।
इसलिए फरमाया हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत अबू दाऊद शरीफ में कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजों को फजूर और लायनी फोश बातों के असरात से पाक साफ करने के लिए मस्कीनों मोहताजों के खाने का बंदोबस्त के लिए सदकाए फित्र को वाजिब करार दिया। यानी इससे दो फायदे हैं, एक गरीबों मस्कीनों का काम बन जाता है और दूसरा इंसान लायनी फजूल बातें जो उसने की है रमजान में उसके गुनाहों से अल्लाह उसे माफ कर देते हैं। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत तिर्मिज़ी शरीफ और इब्ने माजा शरीफ में इरशाद फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख यानी ईद उल अज़हा के दिन फर्जंद आदम का कोई अमल अल्लाह को कुर्बानी से ज्यादा महबूब नहीं है। कुर्बानी का जानवर कयामत के दिन अपने सींगों बालों खुरों के साथ जिंदा होकर आएगा और कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला की रजा और मकबूलियत के मकाम पर पहुंच जाता है। बस ए खुदा के बंदो दिल की पूरी खुशी से कुर्बानी किया करो। हजरत ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत मुस्नद अहमद में इब्ने माजा शरीफ में फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह के बाद सहाबा इकराम ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह इन कुर्बानियों की क्या हकीकत और क्या तारीख है। आपने फरमाया तुम्हारे रूहानी बाप मूरस आला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सबसे पहले उनको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया गया और वो किया करते थे। उनकी इस सुन्नत और कुर्बानी के इस अमल की पैरवी का हुक्म मुझको हुआ और मेरी उम्मत को दिया गया। उन सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि फिर हमारे लिए या रसूलुल्लाह इन कुर्बानियों में अजर क्या है। आपने फरमाया कुर्बानी के जानवर के हर हर बाल के एवज एक एक बाल के एवज एक एक नेकी है। और उन्होंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह ये तो बालों के एवज है जिन पर ऊन होती है, भेड़ बकरी बकरी पर तो बाल है और भेड़ पर दुम्बे पर वो तो ऊन है, उसका क्या होगा, वो तो बहुत ज्यादा होते हैं बाल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह बकरी के एक एक बाल पर है भेड़ के भी एक एक बाल पर एक एक नेकी। इस सवाल का मतलब ये था कि भेड़ दुब्बा मेंढा ऊंट जैसे जानवर जिनकी खाल पर गाय बैल बकरी की तरह बाल नहीं होते बल्कि ऊन होता है यकीनन उनमें से एक एक जानवर की खाल पर लाखों करोड़ों बाल होते हैं तो क्या उन ऊन वाले जानवरों की कुर्बानी का सवाब भी हर बाल के एवज नेकी मिलेगी। आपने फरमाया हाँ ऊन यानी ऊन वाले जानवर की कुर्बानी का अजर भी इसी शरह और इसी हिसाब से मिलेगा कि उसके भी हर बाल के एवज एक नेकी होगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की मुस्नद अहमद और सुनन इब्ने माजा में रवायत इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मदीना तय्यबा में 10 साल क़याम फरमाया। आप हर साल कुर्बानी करते थे। हजरत हनस बिन अब्दुल्लाह से रवायत है अबू दाऊद शरीफ और तिर्मिज़ी शरीफ में फरमाते हैं कि मैंने हजरत अली और मुर्तजा को देखा कि वो दो दुम्बे लेके आए, दो मेंढे लेके आए कुर्बानी के लिए, तो मैंने अर्ज किया कि आप एक के बजाय दो कुर्बान करते हैं। उन्होंने फरमाया मुझे रसूलुल्लाह ने वसीयत फरमाई है कि मैं आपकी तरफ से भी कुर्बानी किया करूं। ये हुजूर के इंतकाल के बाद की बात है। हुजूर जब तक खुद जिंदा थे आप खुद अपने हाथ से अपनी कुर्बानी करते थे। ये हुजूर के विसाल के बाद की बात है कि हजरत अली दो दुम्बे कर रहे हैं तो पूछता है हनस बिन अब्दुल्लाह कहते हैं हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे हुजूर की वसीयत है मैं आपकी तरफ से भी कुर्बानी किया करूं तो एक कुर्बानी मैं आपकी जानिब से कर रहा हूं और एक अपने लिए कर रहा हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस से मालूम होता है मदीना तय्यबा में क़याम फरमाने के बाद रसूलुल्लाह पाबंदी के साथ हर साल कुर्बानी फरमाते। हजरत अली करमल्लाह वजहू की इस हदीस से मालूम हुआ कि बाद के लिए आप हजरत अली को वसीयत फरमा गए थे कि आपकी तरफ से कुर्बानी किया करें। चुनाचे इस वसीयत के मुताबिक हजरत अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बराबर कुर्बानी किया करते थे। इसलिए आज हमें भी ये हुक्म है कि अपने मरहूमीन के लिए हम कुर्बानी किया करें, इसलिए कि उसका सवाब पहुँचता है और ये रसूलुल्लाह का तरीक़ा है। हजूर ने तो वसीयत की थी।
हजरत अनस की रवायत बुखारी मुस्लिम का मुत्तफक अलैह बयान, मुत्तफक अलैह रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्याही और सफायद मायल रंगों के सींगों वाले दो मेंढों की कुर्बानी की, अपने दस्ते मुबारक से उनको ज़बह किया और ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा। मैंने देखा कि इस वक्त आप अपना बायां पांव उनके पहलू पे रखे हुए थे और जुबान से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते जाते थे। इसी तरह हजरत जाबिर की रवायत अबू दाऊद शरीफ में, मुसनद अहमद में, इबन माजा शरीफ में के रवायत करते हैं कि कुर्बानी के दिन यानी ईद कुर्बान के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्याही सफेदी मायल सींगों वाले दो खसी मेंढों की कुर्बानी की। जब आपने उनका रुख सही किबला की तरफ कर लिया तो दुआ पड़ी, इन्नी वज्जहत वजही लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ध हनीफ़ वमा अना मिनल मुशरिकीन, अल्लाहुम्मा मिनका वलक अन मुहम्मदिन व उम्मतिही बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। मैंने अपना रुख उस अल्लाह की तरफ कर लिया जिसने जमीन व आसमान को पैदा किया, इब्राहिम के हर तरफ से यकसू होकर, और मैं इस तरीके पर यानी हजरत इब्राहिम के तरीके पर जिस अल्लाह ने बनाया जमीन व आसमानों को, मैं शिर्क करने वालों में से नहीं, मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सिर्फ रब्बुल आलमीन के लिए है, इसका कोई शरीक नहीं, मुझे उसी का हुक्म है, मैं हुक्म मानने वालों में हूँ। ए अल्लाह, ये कुर्बानी तेरी तरफ से, तेरी ही तौफीक से, तेरे ही वास्ते, तेरे बंदे मोहम्मद और उसकी उम्मत की जानब से बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। ये दुआ पढ़कर आपने मेंढे पर छुरी चलाई, उसको ज़बह कर दिया। आखिरी वक्त रिवायत के आखिरी हिस्से में इस तरह है कि आपने अल्लाहुम्मा मिनका वलका कहने के बाद अपना अपने हाथ से ज़बह किया और जुबान से कहा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। ए अल्लाह, ये मेरी जानब से और मेरी उम्मतियों की जानब से जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, जो कुर्बानी नहीं कर सकते अल्लाह, उनको भी मेरी इस एक कुर्बानी में शरीक फरमा, सवाब में, कुर्बानी नहीं होती उनकी तरफ से, सिर्फ सवाब में शिरकत करो। इसी तरह हजरत बरा बिन आज़िब की रवायत मुसनद अहमद में, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा और इसी तरह मुत्ता इमाम मालिक में फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कुर्बानी में कैसे जानवरों से बचा जाए, जो जानवर कुर्बान न किए जाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें चार खामियां हो या चारों में से कोई एक खामी हो उसे कुर्बान मत करो। अगर जानवर पाया जाए ऐसा कि जिनमें से इनमें कोई चार खामियों में से एक खामी हो, वो लंगड़ा हो, इतना लंगड़ा है कि बिल्कुल चलने से मुश्किल है, और दूसरा उसकी आंख खराब है कि बिल्कुल काना हो गया, तीसरा बीमार है शदीद, चौथा इतना कमजोर है कि हड्डियों का गुदा खत्म हो गया, तो फरमाया ऐसे लागर कमजोर हड्डियों वाले जानवर को कुर्बान न करो। हजरत अली अल मुर्तजा की रवायत इब्न माजा शरीफ में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ऐसे जानवर कुर्बानी करने से मना फरमाया जिनका सींग टूटा हुआ हो या कान कटा हुआ हो। कुर्बानी दरअसल बंदे की तरफ से अल्लाह ताला की हुजूर में नजर है, इसलिए जरूरी है कि अपनी इस्तेआत की हद तक अच्छे जानवर का इंतखाब किया जाए। और ये बात बहुत गलत है कि लूला, लंगड़ा, अंधा, काना, बीमार, मरियल, सींग टूटा, कान कटा जानवर अल्लाह के सामने पेश कर दिया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन चौथे पारे के शुरू में फरमाते हैं लन तलालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुमको नेकी का मकाम उस वक्त तक हरगिज़ हासिल नहीं हो सकता जब तक वो चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च न करो जो तुम्हें पसंद है। कुर्बानी के जानवर के हिस्से कितने होने चाहिए, हजरत जाबिर की रिवायत मुस्लिम शरीफ में और अबू दाऊद शरीफ में फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया गाय या बैल की कुर्बानी 7 आदमियों की तरफ से, इसी तरह ऊंट की कुर्बानी 7 आदमियों की तरफ से। भैंस का जिक्र इसलिए नहीं किया कि भैंस गाय की एक किस्म है और अरब में भैंस होती नहीं थी, तो ये उसी में से, इसके इसमें भी 7 हिस्से होते। कुर्बानी का वक्त
कौन सा है, ईद की नमाज से पहले या ईद की नमाज के बाद? यहाँ ईद की नमाज नहीं होती देहातों में, वहां तो सूरज निकलने के बाद कुर्बानी करे तो हो जाएगी उनकी कुर्बानी, लेकिन जहां ईद की नमाज होती है वहां ईद की नमाज के बाद कुर्बानी करेंगे तो होगी। अगर ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर दी गई तो खाने का गोश्त तो होगा, कुर्बानी नहीं होगी। हजरत बरा बिन आज़िब की रवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद कुर्बान के दिन खुतबा दिया, इसमें इरशाद फरमाया, आज के खास कामों में से सबसे पहला काम यह है कि हम अल्लाह के हुजूर में नमाज ईद अदा करें, फिर वहां से लौट कर कुर्बानी करें। जो इस तरह करेगा हमारे तरीके के मुताबिक ठीक होगा, उसकी कुर्बानी ठीक होगी। जिसने नमाज से पहले कुर्बानी कर डाली उसकी कुर्बानी बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि उसने अपने घर वालों के खाने के गोश्त के लिए बकरी ज़बह कर ली, इससे ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। हजरत जुंदब रजी अल्लाह तआला, जुंदब बिन अब्दुल्ला रवायत करते हैं, मुस्लिम और बुखारी की मुत्तफ़क़ अलैह रवायत, एक दफ़ा मैं ईद कुर्बान के दिन रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर था, आप जैसे ईद की नमाज से फारिग हुए तो आपकी निगाह पड़ी गोश्त पर। ये कुर्बानियां नमाज से फारिग होने से पहले ज़बह की जा चुकी थी। आपने फरमाया, जिन लोगों ने नमाज से पहले कुर्बानी कर दी है वो इसकी जगह दूसरी कुर्बानियां करें, ये कुर्बानी उनकी नहीं हुई, क्योंकि उनकी कुर्बानी वक्त से पहले कर दी गई है और वक्त से पहले कुर्बानी नहीं होती। जिस तरह अल्लाह ताला ने हफ्ता के 7 दिनों में से जुमा को, साल के 12 महीनों में से रमज़ान को, रमज़ान के 3 अशरों में से अशरा अखीरा को खास फजीलत बख्शी है, इसी तरह 12वें महीने के पहले अशरा को भी अल्लाह ने खास फजीलत बख्शी है, इसलिए उन्हीं अय्याम में हज होता है और ये रहमत खुदावंदी का खास अशरा है। इन दिनों में बंदे का हर नेक अमल अल्लाह ताला को बहुत महबूब है और उसकी बड़ी कीमत है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की बुखारी में रिवायत कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला को अमले साले जितना इन 10 दिनों में महबूब है इतना किसी दूसरे दिन महबूब नहीं है। हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत मुस्लिम शरीफ में कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब ज़िलहिज्जा का पहला अशरा शुरू हो जाए यानी ज़िलहिज्जा का चांद देख लिया जाए तो तुम में से किसी का इरादा कुर्बानी करने का हो उसको चाहिए कि कुर्बानी करने तक अपने बाल और नाखून न कटवाए। ये मुस्तहब है, कोई कटवा दे तो कुर्बानी हो जाएगी, ये मुस्तहब है। हुज्जाज 10वें ज़िलहिज्जा को मिना में अल्लाह के हुजूर में हाजिर होते हैं, कुर्बानियाँ पेश करते हैं तो उनके साथ उनकी नकल हो जाएगी, इसलिए कि अल्लाह के हुजूर में अपनी कुर्बानियां नजर करेंगे। जिस तरह हाजी एहराम बांधने के बाद बाल नाखून नहीं काटते, इसी तरह ये मुसलमान जो कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं ज़िलहिज्जा का चांद नजर आने के बाद बाल या नाखून न तरशवाएं, इस तरीके से हुज्जाज से एक मुनासबत पैदा हो जाएगी, हुज्जाज के साथ इसकी मुशाबियत पैदा हो जाएगी। किस कदर मुबारक हिदायत है जिस पर चलकर मशरिक व मगरिब के मुसलमान हज के अनवार व बरकात में से हिस्सा ले सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान और सुन्नत की इन सच्चाइयों को सुनने समझने के साथ अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबिय्यिल करीम समीना व अताना वफ़रानक रब्बना अमीनिकल मुसीर اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا ابواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اغفر وارحم انت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا تقبل دعانا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا انك انت السميع العليم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء صلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين